अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल है। वेलकम एक बार फिर एम के कुकिंग में। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त इजीएस्ट और डिलीशियस हेल्दी सा अंडा पराठा, जो कि बहुत इजी से बन जाता है। इसमें कोई आटे गूंदने की ज़रूरत नहीं होती है। तो चलते अपने अच्छा जी, अंडे पराठा बनाने की सबसे पहले हमने ले लिए हैं यहाँ पे 2 अदद अंडे। ये जो है अंडे पराठा जो है तकरीबन 3 से 4 लोग आराम से खा सकते हैं, और बच्चे तो है आराम से इसको खाएंगे। और बहुत ईजीएस डिलीशियस बनता है, बहुत टेस्टी और एक डिफरेंट टेस्ट आता है इसका, तो आप लोग भी लाजमी बनाइएगा। यहाँ पर 2 अंडे मैंने ऐड कर दिए। साथ में हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून के बराबर रेड ब्लैक पेपर, और साथ में जो है हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट हसब ज़रूरत, और साथ में जाएगा इसमें नमक, सॉरी चिकन पाउडर। चिकन पाउडर भी 1 टीस्पून के बराबर जाएगा, और साथ में जाएगा अनियन। अनियन जो है बारीक चॉप करके ऐड करिए। साथ में इसमें ऐड करा है हरा धनिया। उसके बाद जो है इसमें ऐड करेंगे हम कैबेज। कैबेज भी बारीक चॉप कर लीजिएगा, छोटी सी कैबेज चॉप कर लीजिएगा। और साथ में जाएगा इसमें कैप्सिकम और एक अदर हरी मिर्ची, दोनों मैंने मिक्स करके चॉप करके इसमें ऐड करनी है। साथ में सबसे पहले हम इसको फेंट लेंगे अच्छी तरह से बीटर से। देन इसमें हम ऐड करेंगे अपना आटा। आटा जो है मैंने 1.5 कप ऐड करा है, बहुत क्योंकि हम अंडा पराठा बना रहे हैं नॉर्मली आटा यूज़ करेंगे, और उसके अलावा अगर आप लोग चाहें तो मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। तो 1.5 कप मैंने यहाँ पर आटा यूज़ करा है। साथ में जो है मैंने 1/2 कप के बराबर मैदा यूज़ करा है, क्योंकि यूजुअली लोगों के घरों में मैदे के पराठे खाए जाते हैं। तो आप लोग चाहें तो प्योर मैदा भी ऐड कर सकते हैं, और चाहें तो प्योर आटा भी नहीं तो दोनों का मिक्स करके भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, जितने भी लोग मेरे वीडियो पर न्यू आए तो वो कर लें चैनल को सब्सक्राइब, और कर लें बेल आइकन पर क्लिक, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों को बर वक्त मिल सके, और आप लोग जो है मेरी रेसिपी को फॉलो कर सकें। और साथ में जो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें, साइड पर ऊपर आ रहा होगा इंस्टाग्राम। साथ में जो है इसमें हमने ऐड करना है 1 कप के बराबर पानी। जितनी हमने डो रखनी है लिक्विडी, इतनी ही मुताबिक हम पानी को ऐड करते रहेंगे। डो हमने ना बहुत ज़्यादा थिन रखनी है ना बहुत ज़्यादा थिक रखनी है। तो आप लोग देखते रहिएगा इसकी कंसिस्टेंसी कहाँ तक कि मैं इसको लिक्विडी रखती हूँ। अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। मज़ीद हम जो है इसमें वाटर ऐड करेंगे, क्योंकि अभी भी ये बहुत थिक है। तो अच्छे से जो है अब हम इसको दोबारा मिक्स करेंगे, और देन हम इसमें 1/2 कप दूध भी ऐड करना है। दूध से जो है ये बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे, और ये ऑप्शनल है, अगर आप लोग चाहें तो ऐड करें, नहीं तो स्किप करने कोई इशू नहीं है। लेकिन दूध से बहुत जो है ये सॉफ्ट बनेंगे। और साथ लास्ट में जो हमने इसमें ऐड करना है ओरिगानो लीव्स। ओरिगानो जो है आप ये भी ऑप्शनल है, अगर आप लोग चाहें तो डालें, लेकिन इससे भी बहुत टेस्ट आता है। अच्छा, ये दूध में इसमें भी इसलिए डाला ताकि बच्चे जो है बाज़ अवकात दूध की चीज़ें नहीं खा रहे होते, तो आप लोग उसमें ऐड कर सकते हैं। देन ये हमारा रेडी है। उसके बाद जो हम इन्हें फ्राई पैन गर्म करा है, इसमें जो हम ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल जो हमने बहुत ही कम मिकदार में ऐड करना है, तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर मैंने ऑयल ऐड करा है। तो अच्छे से जो है हम इसको गर्म कर लेंगे। उसके बाद जो है हमने बैटर रेडी कराया है, वो हम इसमें ऐड करेंगे। तकरीबन मैंने ऐसे 2 डोंगे अपने बैटर के डाले थे एक वक्त में। तो अच्छे से जो है अब हम इसको पकने देंगे। 2 से 3 मिनट हम इसको पकाएंगे एक साइड से, और देन जब ये हो जाएगा 1 साइड से, तो हमने इसको टर्न ऑफ कर लेना है। इसको जो है टर्न ऑफ कर लिया था हम लोगों ने, तो यहाँ जो है अगले साइड से भी हम इसको सेकेंगे अच्छे से। और ये जो इसमें झंझट भी नहीं है, ना आटे गूंदने की, ना कुछ बनाने की, ना अलग से अंडे फेंकने की, तो एक ही जगह पे हर चीज़ जो है हम इसमें ऐड करके जो है इसको अच्छे से बना सकते हैं। और यकीन करें इसका जायका बहुत ही अच्छा आया था। तो आप लोग चाहें तो बच्चों को लंच बॉक्स के तौर पर भी दे सकते हैं, या इवनिंग स्नैक्स में भी आप लोग इसको ले सकते हैं। इससे जो है पेट भी फुलफिल रहता है, और ज़्यादा देर तक जो है आप लोगों को भूख भी नहीं लगती, ना बच्चों को भूख लगेगी। और सबसे अच्छी बात जो है इसमें अगर आप दूध ऐड करेंगे तो उससे भी जो है काफ़ी हेल्दी हो जाता है।
ये देखिए मज़ेदार से अंडे पराठे हमारे बिल्कुल रेडी है, आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग भी बनाइएगा और बताइएगा कैसे बने। ये बिल्कुल न्यू यूनिक अंडा पराठा स्टाइल है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे सेम ही आईडी है। तो लाजमी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अब फाइनली इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।